तो फ्रेंड्स, अगर आपने साड़ी पहनी है एंड बहुत हैवी मेकअप नहीं चाहते हो, सिंपल सा मेकअप लुक चाहिए, तो आपको करना क्या, सबसे पहले आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। ये लैक्मे पीच का मॉइस्चराइजर है इसका, ये देखिए। ओके, तो मैंने इतना सा मॉइस्चराइजर लिया है एंड पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। अगर आप मॉइस्चराइजर लगाते हो, आपका जो भी पार्ट शो हो रहा है, दिख रहा है बॉडी का, वहाँ पे आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना चाहिए। उससे आपका जो भी डेड स्किन वगैरह होता है वो रिमूव हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है, सॉरी मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है आपके फेस पे। अगर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हो तो ब्लेंडिंग करने में ईजी होता है, तो मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको मेकअप करने के लिए, मेकअप को ब्लेंड करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, और बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंडिंग के लिए मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट मॉइस्चराइजर आपको मेकअप नहीं करना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो उनको 2 मिनट तक स्किन में अब्जॉर्ब होने के लिए टाइम देना चाहिए। तो सेकंड जो स्टेप होगा वो लूँगी मैं प्राइमर। ये हुडा ब्यूटी का प्राइमर है, लैक्मे का भी प्राइमर बहुत अच्छा है एंड स्विस ब्यूटी का भी बहुत अच्छा है, हुडा ब्यूटी का भी बहुत अच्छा है। तो आप जो चाहो वो ले सकते हो, फिटमे का तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छा ही होगा। इतना सा मैंने लिया है, इसको अपनी ओपन पोर्स के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। प्राइमर को भी अच्छे से थोड़ी देर टाइम देंगे, एक मिनट या फिर 20-30 सेकेंड तक, ताकि अच्छे से ओपन पोर्स को हाइड करें एंड आपके मेकअप को अच्छा बनाए। ताकि जैसे हम लोग अगर प्राइमर स्किप करते हैं तो क्या होता है कि जो आपके ओपन पोर्स होते हैं उसमें आपका फाउंडेशन चला जाता है, जिसकी वजह से फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है आपके पसीने के साथ मिक्स होकर, जिसकी वजह से आपका मेकअप जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। तो आपको प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेकअप में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो प्राइमर है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड ब्लैक होने से बचाने के लिए। तो जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा फाउंडेशन का। गर्मी का टाइम चल रहा है, अगर आपके स्किन पे कोई भी डार्क स्पॉट्स नहीं है तो आप फाउंडेशन स्किप कीजिएगा। अगर फिर भी लेकिन आपको लगे कि आपको ज़रूरत है फाउंडेशन की, तो बिल्कुल ज़रा सा फाउंडेशन आपको अप्लाई करना है। ये देखिए, बिल्कुल इतना, एक पंप भी नहीं है ये। इसको मैं डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई नहीं करूँगी, सही जब फिंगर पे लेके टैप टैप करके लगाएंगे और डायरेक्ट इसको ब्लेंड नहीं करेंगे, फिर मेकअप फिक्सर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये बाद में पसीनों के साथ निकलेगा नहीं और HD मेकअप का लुक देगा आपको। तो फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए पहले फिक्सर और फाउंडेशन को मिक्स कर लेना है। तो इतना ही फाउंडेशन लगाने से मेरा जो डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है वो हाइड हो जाता है। तो मैं इतना सा मुझे ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। बिल्कुल जरा सा फाउंडेशन लेना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है कंसीलर का। कंसीलर हमारे हाईलाइट पार्ट को और ज़्यादा हाईलाइट करता है, जैसे आइज के नीचे। बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा लेना है, गर्मी का टाइम है और डे का टाइम है, तो बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा सा लीजिएगा। बस इतना सा लगाना है आपको और इसको भी ब्लेंड कर देना है। मैं खुद का मेकअप करती हूँ तो ब्लेंडिंग के लिए मैं अपने हाथों का यूज़ करती हूँ। इसके बाद हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरे मेकअप को सेट करेंगे। कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो मैंने अभी चेंज किया है, ये है HD कॉम्पैक्ट पाउडर है, ऑयल कंट्रोल है एंड मास्क का है। ये भी काफ़ी अच्छा है, मैंने एक बार और इससे पहले की वीडियो में दिखाया था आपको इसका, ये जो मैंने यूज़ किया था तो दिखाया था आपको कि क्या रिजल्ट है इसका। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है, सिंगल इफेक्ट नहीं है, बहुत मेट फिनिश देता है ये। बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा था, जो भी प्रोडक्ट आपने फेस से अप्लाई करते हो उसको गर्दन पे बिल्कुल भी ना भूलें लगाना। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा हाइलाइटर का। अब इससे पहले मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। इस तरीके से करना है स्माइल एंड जो आपका चिक बोन्स है वहाँ पे आपको ब्लश
ब्लश अप्लाई कर लो, जो मेरे यहाँ पे डार्क स्पॉट्स है वो इस तरीके से ब्लश अप्लाई करने से हाइड हो जाता है। अब जो ब्लश है उसको थोड़ा सा नोज़ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटर। हाइलाइटर जो है वो सिक्योरिटी का है, लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छा है। तो ये हाइलाइटर अगर कोई ढूंढ रहे हो तो आप ये सिक्योरिटी का ले सकते हो, देख सकते हो आप आईज के जस्ट नीचे, एंड आईज पे भी आप अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपको डार्क पर्पल है। आई मेकअप बिल्कुल नेचुरल तरीके से करेंगे यहाँ पे हम लोग। पूरे आईलिड पे हाइलाइटर अप्लाई कर दे रहे हैं जिससे कि जो मेरा डार्कनेस है वो तो हाइड होगा ही होगा और आई मेकअप के लिए बहुत अच्छा सा लुक मिल जाएगा। मेकअप के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, लेना है आई शेडो पैलेट और लेना है ग्लिटर पैलेट। ओके तो आई शेडो पैलेट में से अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर लेके आप अपने आई लिड पे अप्लाई करोगे, आई मेकअप ब्रश से। तो ये है मेरा आई मेकअप ब्रश जो इस तरीके के शेप में आता है। तो मेरे ड्रेस का कलर जो है वो है रेड एंड ऑरेंज कलर एंड ग्रीन, तो मैं रेड एंड ऑरेंज गोल्डन एंड रेड कलर में कुछ अप्लाई करूँगी। तो गोल्डन कलर को पिक करेंगे एंड रेड कलर को पिक किया है एंड इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। ओके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकाल दीजिएगा क्योंकि आपने मेकअप ऑलमोस्ट डन कर लिया है जिसकी वजह से आपका जो मेकअप है वो ख़राब हो सकता है। मेकअप भी आउटर कॉर्नर पे इस तरीके से अप्लाई कर देना है। यहाँ पे कट क्रीज वगैरह कुछ नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल सा लुक देंगे। देन गोल्डन कलर लेंगे और इनर कॉर्नर पे इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। ओके वाइट कलर का कलर देंगे और आपने फ्रंट पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे इनर कॉर्नर पे। ओके और थोड़ा सा वाइट कलर लेंगे और आईब्रोज के या नीचे पे अप्लाई करेंगे। आपको लेना है ग्लिटर पैलेट में से ग्लिटर लाइट पिंक कलर का। तो यहाँ पे लाइट पिंक कलर ग्लिटर पिक कर रही हूँ मैं और आई लिड पे इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। काफ़ी प्यारा सा डे पार्टी के लिए नेचुरल लुक में आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो। इसके बाद हम लोग अपना आईलाइनर एंड मस्कारा अप्लाई करेंगे। तो ये लाइनर 95 का आईलाइनर है। लैक्मे 95 के आईलाइनर तो बहुत अच्छे होते हैं बट इसका एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। आपका आईलाइनर जल्दी सूख जाता है तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा आई ड्रॉप लेना है और आईलाइनर में यूज कर लेना है, उससे जो आपका सूखा हुआ आईलाइनर होगा वो दोबारा से वर्क करने लगेगा। तो मैं लैक्मे 925 का ही लाइनर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बट ये सूख जाता है, इसके लिए मैं आई ड्रॉप के साथ इसको मिक्स कर लेती हूँ।
अभी वाला जो आईलाइनर है वो थोड़ा सा पतला हो गया है। लो वाटर लाइन पे भी थोड़ा सा आईलाइनर अप्लाई करेंगे। अब इसको आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए आई लैसेस आईब्रो पेंसिल को फिल सॉरी आईब्रोज को फिल कर लेंगे एंड काजल से कंप्लीट करेंगे। थोड़ी यहाँ पर मेरा आईब्रो फिल करने में लगता है नहीं मिल रहा है। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग रहा है उसको रिमूव कर देंगे कॉटन की मदद से ऐसे टावर की मदद से। फ्रंट से थोड़ा थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे जिससे कि जो आपको आपके आईब्रो का लुक है वो नेचुरल लगे। एंड में अगर आपको पसीने बहुत आ रहे हैं तो इस तरीके से टावर से ड्राई कर दोगे बिल्कुल भी इससे आपका मेकअप नहीं निकलेगा एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब आईब्रोज को नेचुरल लुक दिखाने के लिए आपको लेना है ये वाला ब्रश और इससे इस तरीके से ब्लेंड कर देना। अगर आपको लग रहा है कि आपने साफ करते करते ज़्यादा प्रोडक्ट साफ कर दिया है अपने आईब्रो जो फील किया था आपने अच्छे से आपको क्या करना है आपको लेना है अगेन वो वाला ही ब्रश जिससे आपने कलर अप्लाई किया था आईब्रो के लिए उसको उसमें कलर नहीं पिक करना उसमें ऑटोमेटिकली रहता है कलर जो हमने पहले से अप्लाई किया था उसमें तो उसको बस सिंपली आईब्रोज के पास ले जाके एक शेप देते हुए ब्लेंड कर देना है। अब हम लोग काजल अप्लाई करेंगे एंड लिपस्टिक। लिपस्टिक जो है ये टोन ट्रांसफर्ड लिक्विड मेट लिपस्टिक है रेम्बल का आग कुछ करके ऐसा कुछ है ये रेट नंबर 406 है इसको अप्लाई करेंगे।
मैट लिपस्टिक है बट मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, पपड़ी की तरह नहीं निकलता है, ये काफ़ी अच्छा है, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। मैंने इसको ऑनलाइन नहीं मंगाया है, मैं आपको लिंक दे देती और आप इसको ईजिली बाय कर लेते, बट मैंने इसकी दुकान से लिया है, लैक्मे का काजल है। नेचुरल लुक मेकअप कर सकते हो, कहीं छोटी मोटी पार्टी है, नेचुरल नॉर्मल सा मेकअप चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए जिसकी वजह से आपका लुक ख़राब हो जाता है, हैवी मेकअप की वजह से पसीने आ जाते निकल जाता है, तो आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो। ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बिल्कुल भी नहीं निकलता है जब तक आप इसको वॉश नहीं करोगे तब तक, ओके। और पसीने आए तो आप कॉटन से हल्का हल्का टैप टैप करके हैंकी से निकाल लो, तो आपका मेकअप टस का मस नहीं होगा। तो कैसा लग रहा है आज का मेकअप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी इस तरीके की इजी स्टेप मेकअप एंड हेयर स्टाइल की वीडियोस देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और मैं लाइव में आती हूँ तो आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हो, चैट कर सकते हो, जो भी आपका शिकायत है सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगी, एंड वहाँ पे मैं आपको फेस टू फेस तो नहीं बोल सकते बट मैं लाइव में आपको रिप्लाई कर दे करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।